नहीं पता होगा कि कश्मीरी पंडित के साथ क्या हुआ, ये कितना ट्रैजिक है, वो उसका मजाक उड़ाए तो खुद ही पता चल जाता है कि वो एज अ पॉलिटिशियन कितने पेटी और उनको इग्नोर करना चाहिए। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा अगर आप मीडिया फॉलो करते हैं कि वो कश्मीर में अपनी पार्टी को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो मेंबरशिप ड्राइव पर है, तो ये शायद उनका डेलिब्रेट अटेम्प्ट था क्योंकि वो लोकल पॉपुलेशन के साथ अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं। उनको लगा होगा कि कश्मीरी पंडित के अगेंस्ट जाके वो अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे, पर बहुत ही घटिया तरीका है। देखिए, केजरीवाल ने इस मूवी का मजाक बना दिया जिसमें इतना दर्द भरा है, थिएटरों से आके बाकी समाज के लोग रो रहे हैं इस मूवी को देखकर, और केजरीवाल जी उसका मजाक बना दे। मैं ये दिल्ली को जगाना चाहती हूँ, क्या आप ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री को वोट देंगे जो एक ऐसे दर्दनाक मूवी का मजाक बना रहे हैं सदन में? कांग्रेस तो मेन पार्टी थी जिसकी वजह से ये हुआ है, अगर उस वक्त रोका गया होता तो आज इतना मुद्दा ये बड़ा बन ही नहीं गया होता। कश्मीरी पंडित अभी कश्मीर में रह रहे होते, आज भी दर दर भटक नहीं रहे होते। ये तो हमारे शायद समाज एक एजुकेशन को महत्व देते हैं, इसी वजह से आज हम यहाँ पर खड़े दिख रहे हैं आपको, नहीं तो हमारी तो समाज पूरा बिखर गया होता। और जो लोग इस तरह से बोलते हैं उनको यहाँ तो फैक्ट्स मालूम नहीं है, वहाँ पे रहे नहीं है, उन्होंने हमारी तकलीफों का मजाक ऐसे उड़ाना शुरू कर दिया कि ये सब झूठ है। सोचना चाहिए कि उन पे अगर ये सब गुजरती तो कैसा लगता। हम लोग वहाँ से निकल के 32 ईयर्स से अलग माहौल में रह रहे हैं, आज तक किसी ने हमारी सुनी नहीं, कोई बात नहीं हुई इस पे। अब कोई बोल रहा है तो उसको आप ऐसे बोलेंगे कि ये झूठ है? हम इतने सालों से चुप बैठे हैं, किसी के खिलाफ कोई हिंदू पंडित आज तक बंदूक उठा के नहीं खड़ा हुआ। क्या नाम? मेरा नाम मोनिका पंडित है, मैं 32 वर्ष से विस्थापित कश्मीरी पंडित हूँ। अच्छा, ये बताइए, सवाल बड़े खड़े किए जा रहे हैं कि ऐसा जो मूवी में दिखाया गया ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ये सिर्फ एक झूठी कहानी बनाकर जनता के सामने लाई जा रही है। ये वही लोग बोल सकते हैं जो विपक्षी पार्टियों के द्वारा आए हैं, क्योंकि ये सच्चाई मैं आपको बताऊंगी, ये भी सच्चाई नहीं, ये सिर्फ 10% है जो विवेक अग्निहोत्री जी ने दिखाया है, इससे भी ज़्यादा बीता है कश्मीरी पंडितों पे, कश्मीरी हिंदुओं पे। ये तो सिर्फ 10% ही वो दिखाया, नहीं तो वो मूवी पास ही नहीं हो पाती। तो जो गिरजा दिक्कू के जो दो केस उन्होंने दिखाए हैं, गिरजा दिक्कू का तो इससे भी ज़्यादा बार, आप ये समझिए 24 बार बलात्कार हुआ था उनके साथ। ये कोई मजाक नहीं जो केजरीवाल जी सदन में कर रही है, उनके लिए मजाक की बात होगी जब शाहीन बाग में जाके वो उनके उनके समक्ष बैठ के बोलते थे कि शाहीन बाग वाले सारे सच्चे बोल रहे हैं क्योंकि वो भाजपा के खिलाफ थे, और जब वो बोलते हैं कि जो खालिस्तानी बैठ के किसान नहीं थे, वो किसान सोचिए साल भर किसान कभी किसी मुद्दे पर बैठ सकता है? नहीं बैठ सकते, वो खालिस्तानी थे और उनके साथ खड़े होकर बोल रहे हैं कि ये सच्चे हैं, और आज वो कश्मीरी पंडितों को झूठा ठहरा रहे क्योंकि उनको ये पता है कि कश्मीरी पंडित उनका वोट बैंक कभी नहीं हो सकता। जी मैम, महिला पे जो अत्याचार हुए कश्मीरी महिलाओं पर, लेकिन जब हमने देखा वीडियो में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के पीछे एक महिला बैठी है वो हंस रही है, तो क्या लगता है एक महिला का महिलाओं पे हुए अत्याचार का उस पर हंसना कितना सही मानती है? देखिए, वो अपने उस वक्त वो राजनीति कर रही थी, वो एक महिला का रूप नहीं थी उस वक्त। अगर वो महिला का दर्द नहीं समझ सकती, वो ये नहीं सोचती एक होता है एक औरत के साथ, उसका वो मजाक बनाए। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने सदन में इस मूवी को एक समर्थन दिया, वो आप समझिए एक लेजेंड ने उसको समर्थन दिया, और आप केजरीवाल जी उसका मजाक बना रहे। मैं आज भी तमीज से बोल रही हूँ, मैं केजरीवाल नहीं बोल रही, केजरीवाल जी बोल रही हूँ, क्योंकि वो हमारे मुख्यमंत्री है इस वक्त दिल्ली के, और उनको ये शर्मिंदा होना चाहिए, और हम सारे पूरे कश्मीरी हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए। तो कहते हैं कि मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ, मुझे को उनका दर्द मालूम है क्योंकि मैंने 233 शिक्षकों को स्थायी किया है, नौकरी दी है, लेकिन बीजेपी वाले इसका मजाक बना रहे, एक तरह से पैसा कमा रहे हैं, इसको कश्मीरी पंडितों का दुख को बेचा जा रहा है, बिजनेस किया जा रहा है इसको। नहीं, ये देखिए, मैं ये बताऊंगी, इस वक्त केजरीवाल जी अपनी राजनीति को आगे देखिए, उनको लग रहा है कि उन्होंने पंजाब जीत लिया तो इसी को एक और मुद्दा बना के मैं कोई और स्टेट जीत लूं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कोई नौकरी नहीं दिलाई, और आज भी देखिए हम कितने 32 वर्ष से आज भी विस्थापित है, आज भी हमारा कश्मीरी पंडितों का रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ है, और एक प्रयास हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने किया है वो धारा 370 को उठा के हमारे कहीं ना कहीं एक कश्मीरी पंडितों की जीत थी वहां पर, लेकिन उनको भी टाइम लगेगा हमारे इस मुद्दे को सुलझाने में। हमारे विपक्षी एंटी इंडियन है तो आप समझ सकते हैं कि देखिए, केजरीवाल ने इस मूवी का मजाक बना दिया जिसमें इतना दर्द भरा है, थिएटरों से आके बाकी समाज के लोग रो रहे हैं इस मूवी को देखकर, और केजरीवाल जी उसका मजाक बना दे। मैं ये दिल्ली को जगाना चाहती हूँ, क्या आप ऐसे ऐसे
एक ऐसे दर्दनाक मूवी का मजाक बना रहे हैं सदन में। अरविंद, कुछ दिन एक दिन पहले हमने देखा है कि अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर कुछ लोगों ने हमला किया, उनको कैमरे वैमरे तोड़ दिए, उसको लेकर कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरा है, उनको मारने की साजिश की जा रही है। नहीं, कोई ऐसी साजिश नहीं की जा रही है। ऐसे हमारा जो हमारे भाजपा में मुझे जो लगता है कि वो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को लड़ने संगठन है, ऐसा नहीं है कि वो किसी को मारने के लिए। अगर मारना ही होता तो मोदी जी ने कब का कदम उठा के कश्मीर को पूरा बुलडोजर चला दिया होता, जैसे यूपी में आज भी बुलडोजर चला रहे हमारे महाराज जी। ये बताइए, क्या लगता है आपको, ऐसा क्या दिखाया गया उस मूवी में 32 साल बाद कि हमारे देश के विपक्षियों को एकदम से मिर्ची लग जाती है, इसको बैन करने की मांग की जाती है कि बैन किया जाना चाहिए। मिर्ची इसीलिए लग रही है क्योंकि इसमें विपक्षी तो पूरे इसमें इन्वॉल्व थे ना, कांग्रेस ही तो था, कांग्रेस तो मेन पार्टी थी जिसकी वजह से ये हुआ है। अगर उस वक्त रोका गया होता तो आज इतना मुद्दा ये बड़ा बन ही नहीं गया होता। कश्मीरी पंडित अभी कश्मीर में रह रहे होते, आज भी दर दर भटक नहीं रहे होते। ये तो हमारे शायद समाज एक एजुकेशन को महत्व देते, इसी वजह से आज हम यहाँ पर खड़े दिख रहे हैं आपको, नहीं तो हमारी तो समाज पूरा बिखर गया होता। दिल्ली के विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जिस तरीके से मजाक बनाते हैं, टैक्स फ्री के लेकर चर्चा होती कि इसको यूट्यूब पे डाल दीजिए, फ्री फ्री हो जाए, क्या कहना चाहोगी कि जो कश्मीरी हिंदुओं पर, महिलाओं पर जो अत्याचार हुए वो कितना सही है और उसको लेकर मजाक बनाना अरविंद केजरीवाल जी का कितना सही है? केजरीवाल जी की लेवल पता चलती है, उनकी क्या लेवल है और वो पॉलिटिक्स में कि उनकी क्या लेवल है और क्या उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है। जिस पर्सन को ये नहीं पता होगा कि कश्मीरी पंडित्स के साथ क्या हुआ, ये कितना ट्रैजिक है, वो उसका मजाक उड़ाए तो खुद ही पता चल जाता है कि वो एज अ पॉलिटिशियन कितने पेटी और उनको इग्नोर करना चाहिए। दूसरी चीज़, आपने देखा होगा अगर आप मीडिया फॉलो करते हैं कि वो कश्मीर में अपनी पार्टी को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो मेम्बरशिप ड्राइव पर है, तो ये शायद उनका डेलिब्रेट अटेम्प्ट था क्योंकि वो लोकल पॉपुलेशन के साथ अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं। उनको लगा होगा कि कश्मीरी पंडित के अगेंस्ट जाके वो अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे, बट बहुत ही घटिया तरीका है क्योंकि एवरीबडी हु सॉ कश्मीर फाइल्स नोज कि कश्मीर फाइल्स बिल्कुल फैक्चुअल है और वो एटलीस्ट 10% है ऑफ द ट्रूथ, इससे बहुत ज़्यादा था। तो मतलब इस बात को लेके वो और उनके विधायक जिस तरह से हंस रहे थे, उनको कोई फॉगिव नहीं करेगा, इंडिया की पॉपुलेशन इजीली फॉगिव नहीं करेगी और हमेशा उनका चेहरा, स्पेशली हम लोगों के लिए जिन्होंने सफ़र किया है कश्मीरी पंडित्स ने, उनका चेहरा बार बार सामने आएगा, वो हंसता हुआ, रिडिक्यूल करता हुआ। और मैंने इस घटिया लेवल की पॉलिटिकिंग कभी नहीं देखी है। अगर वो दिल्ली के CM है, पंजाब में उन्होंने इलेक्शन जीता है, तो थोड़ी लेवल ऊपर तो जानी चाहिए ना जी, है ना? नहीं है। जी, मैम, जो कश्मीर में हुआ वो आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, लेकिन जिस तरीके से मूवी में दिखाया गया तो हमारे विपक्ष, देश का विपक्ष ये लगातार इसको झूठ साबित करने में तुला हुआ, कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, एक झूठ पर आधारित ये मूवी बनाई गई है। वो विपक्ष का तो ये काम ही, अगर विपक्ष ने ऐसा नहीं किया होता, अपना गलत नैरेटिव पूरे वर्ल्ड में नहीं फैलाया होता और हमारा दबाया नहीं होता, तो हमें 32 साल नहीं लगते ना, हम 32 साल ऐसे सफ़र नहीं करते। तो वो तो साफ पता चलता है कि ये कम्युनिस्ट कांग्रेस और ये जो आप, इन्होंने हमेशा हमारे अगेंस्ट काम किया और हमारा जो ट्रूथ था उसको अपने फेक नैरेटिव से दबाया है। मैम, ऐसी कौन सी घटना जो आप देश के सामने लाना चाहोगी जो अभी तक हो सकता है मूवी में ना दिखाया हो या अभी तक किसी को पता ना चला हो, ताकि हमारे देश के विपक्ष को भी पता लग जाए कि कश्मीरी हिंदुओं का, कश्मीरी महिलाओं का दुख क्या है? ये जो नडी मर का आपने देखा होगा जो लास्ट में, बहुत ही मूविंग था, मैंने देखा ऑडियंस में सबने ब्रेक डाउन किया, ये एक मैसेकर है, ऐसे और मैसेकर्स हुए हैं कश्मीरी हिंदूज के, संग्रामपुरा, वंधामा और उसके अलावा अनडॉक्यूमेंटेड भी बहुत है। एक दिन में काफ़ी लाशें पाई जाती थी रिवर्स में और वो अनआइडेंटिफाइड होते थे, वो लोग, उनकी फैमिलीज इतनी डर जाती थी वो रिपोर्ट भी नहीं करती थी, वो चुपचाप घर छोड़ के चले जाते थे। तो बहुत सारे ऐसे ट्रैजिक ट्रूथ्स हैं जो अभी तक आगे नहीं आए। मैम से चर्चा करते हैं, मैम आप क्या कहना चाहोगे इसको लेकर, जिस तरीके से पूरा माहौल बनाया जा रहा है कि ये एक झूठ पर आधारित मूवी बनाई गई है, ऐसा कुछ सच्चाई इसमें है नहीं? ये बिल्कुल गलत धारणा है कि मूवी में जो भी बताया वो गलत है। हम लोग वहाँ रह चुके हैं, इस चीज़ से गुजर चुके हैं और जो लोग इस तरह से बोलते हैं उनको यहाँ तो फैक्ट्स मालूम नहीं है, वहाँ पे रहे नहीं हैं, उन्होंने हमारी तकलीफ़ों का मजाक ऐसे उड़ाना शुरू कर दिया कि ये सब झूठ है।
सोचना चाहिए कि उन पे अगर ये सब गुजरती तो कैसा लगता जी। हम लोग वहाँ से निकल के 32 इयर्स से अलग माहौल में रह रहे हैं, आज तक किसी ने हमारी सुनी नहीं, कोई बात नहीं हुई इस पे। अब कोई बोल रहा है तो उसको आप ऐसे बोलेंगे कि झूठ है? हम इतने सालों से चुप बैठे हैं, किसी के खिलाफ कोई हिंदू पंडित आज तक बंदूक उठा के नहीं खड़ा हुआ, हमारे साथ ही अत्याचार क्यों हुआ? मैम, अरविंद केजरीवाल जी हंसते हैं विधानसभा में, क्या लगता है किस तरीके की अपनी मानसिकता दर्शा रहे हैं जनता के सामने कि उनका हंसना, जो अत्याचार हुए महिलाओं को लेकर, कश्मीरी हिंदुओं पे जो अत्याचार हुए उसको लेकर जो हंस रहे हैं विधानसभा में, क्या कहना चाहोगी? मेरा बहुत दुख होता है कि नेशनल लेवल के लीडर्स मतलब इस तरह की बातें करते हैं, और दिल्ली में इतने कश्मीरी पंडित रहते हैं, आई विश वो आके मिलते उन पंडितों से, उनकी बात सुनते और उनके दुख को पहचानते, बोले ऐसे कमेंट करना कि ये ऐसा है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैम, एक सवाल ही मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसा क्या हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ जो अभी इस मूवी में ना दिखाया गया हो या जनता के सामने ना आया हुआ हो? विपक्ष को आप क्या बताना चाहोगे कि ये चीज़ घटना हुई है जो विपक्ष अभी मानने को तैयार नहीं है? देखिए, इंडिविजुअल लेवल पर तो बहुत कुछ हुआ है, हर फैमिली के साथ हुआ है और मेरे अपनी फैमिली के साथ हुआ है बहुत कुछ। तो ऐसा क्या हुआ? I would not like to say that on camera, but my father was threatened at gunpoint. तो ये सब हम लोग हाथ से खुद देख चुके हैं। आप एक एक चीज़ को गिनाने लगेंगे, आपको 10 किताबें लगेंगी पूरे कहानी बनाने में। It's not possible to narrate every incident. इतना कुछ हुआ वहाँ। क्या वजह रही कि 32 साल लग गए उस दुख को, उस दर्द को जनता के सामने लाने में एक मूवी के जरिए, क्या वजह रही ऐसी? Lack of interest, complete lack of interest. या तो पॉलिटिकल गेन्स के लिए या कैसे, आई कांट से, बट कंप्लीट लैक ऑफ एम्पैथी एंड इंटरेस्ट। नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन कश्मीरी पंडित। हम लोग 0.2 माइनॉरिटी में रहे हैं, किसी को हमारे दुख से, हमारी कहानी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। देखिए मैम, जब आज ये मूवी आती है तो बैन करने की इसको मांग की जाती है, इसको बैन किया जाना चाहिए कि इससे जो देश का एक हिंदू मुस्लिम वाला भाईचारा है उसमें भेदभाव होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आप ऐसे कैसे कह सकती? अब स्टार्ट हो जाएगा एक मूवी के जरिए, क्योंकि हमारे देश के विपक्षी नेता हो या कुछ मौलाना हो, वो यही बात करेगी हमारे, इससे भविष्य खतरे में आने लगेगा, भविष्य में ऐसा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता, अगर भावना आपके अंदर पहले से है तो कोई भड़का सकता है, अगर वो भावना आपके अंदर नहीं है तो आपको कोई हिला नहीं सकता, ये मेरा यकीन है।